गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में आज की वीडियो की स्टार्टिंग हुई है कपड़े धोने से, क्योंकि आज है चांद रात। मे भी कल हो, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर 29 रोज़े ही हमारे मुल्क में बस रख लेते हैं। पता नहीं कैसे रख लेते हैं, ना चांद नज़र आता है ना कुछ। रात को 12 बजे भी नज़र आ जाए तो वो ऐलान कर देते हैं, इसलिए हमारी तरफ से आज ही है चांद रात। तो चांद रात के साथ साथ ये सब भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब ज़्यादा हो जाए तो फिर ईद वाले दिन हमारी ईद ख़राब हो सकती है। इसलिए चांद रात है तो सबसे पहले मेरी सुबह हुई है कपड़े धोने से, कि मैंने कहा सबसे पहले कपड़े वगैरह धो के फ्री हो जाए, फिर उसके बाद ज़हरी बात है ईद की सिर्फ घर की तैयारियां नहीं करनी होती, अपनी भी कुछ तैयारियां करनी होती हैं। तो फिर चलते हैं, फिर पहले ये कपड़े वगैरह धोते हैं, फिर उसके बाद जो जो होगा, जो अपनी तैयारियां करनी होंगी वो भी आपको बताऊंगी। हस्बैंड के कपड़े, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, सब कुछ प्रेस करना होगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ सारी वीडियो शेयर करूंगी। तो कपड़े धोने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ लेके चलती हूँ, देखते रहिएगा। यहाँ पे फिर बनाना था खाना वगैरह और अफ्तारी की चीज़ें, चाट वगैरह। ये कुकर में मैंने चढ़ा दिए थे आलू, क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट था इसलिए अलग से बॉयल नहीं कर सकती, तो कुकर में मैंने रख दिए ये भूंजियाँ, चने और प्याज वगैरह सब कुछ काट लिया था। मुझे दही वगैरह जमा दी थी सुबह के लिए, ईद के लिए। तो साथ साथ हांडी वगैरह बनाती रही, और हांडी वगैरह बना के फिर अफ्तारी वगैरह करके फिर आगे जो चांद रात, रियल में जो चांद रात होती है वो उसकी तैयारियां करने में स्टार्ट होगी मैं। सो अफ्तारी के बाद ये टाइम था ब्लीचिंग का, तो खुद पे पाँव वगैरह, हाथ वगैरह पे ब्लीच मैंने कर दी थी। ब्लीच वगैरह करके फिर टाइम था मेहंदी लगाने का। फिर तो उसके बाद अब टाइम आ गया खुद पे देने का। तो ये मैं पहले मैंने मार्कर पेन से आउटलाइन बना ली थी, उसके बाद मैं इस पर मेहंदी लगा रही हूँ। फाइनल आपको लगाने के बाद बताऊँगी कैसी लग रही है, तो आप सबने बताना कि कैसी लग रही है। और ये दोनों बच्चे खेलते हुए, रात के 10 बज गए हैं, 10:30, और ये अभी तक चांद रात बना रहे हैं। क्या कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, इधर देखो आपके बाल किधर गए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इसको मैंने स्कूल में दाखिल करवाया, तो इसकी टीचर ने बस ये एक ही जिद लगाई हुई थी, इसके बाल काटो, बाल काटो, बाल काटो। तो जी इसके बाल काटे हैं, लेकिन बहुत ही छोटे कर दिए हैं उसने, बार्बर ने बहुत ही छोटे कर दिए हैं, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। बस खैर अब चली गई है, वैसे घर की खेती है, फिर आ जाएगी। और ये दोनों मस्ती कर रहे हैं और मैं बिज़ी हूँ मेहंदी लगाने पे। मेहंदी लगा के फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेहंदी कैसी लगी, और आप भी बताइएगा कि मेहंदी कैसी लग रही है। साथ में टीवी भी इंजॉय कर रही हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपको मेहंदी लगा के। गाइस मेरी मेहंदी हो गई है रेडी, वो सिर्फ हाथ की हुई है, ये चेक करें कैसी लग रही है। अब मैं हाथ से इसे खोल नहीं रही, और ये ईद मुबारक अभी मैंने लगानी है पाँव पे भी, वो भी लगा के फिर जब ये धोऊंगी फिर उसके बाद भी आपको दिखाऊंगी। तो अभी टाइम हो गया है रात के 12 बजे, और स्टिल टीवी भी ऑन है और बच्चे दोनों सो गए हैं। तो अभी लगाते हैं पाँव पे भी, फिर आपको दिखाते हैं। गाइस ये देखिए फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। तो आपको कैसा लगा मेहंदी का कलर, और आज का व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।